मैं कहना चाहता हूं कि अरविंद ने जहां डीटीसी को खड़ा करने की बात कही थी, दुरुस्त करने की बात कही थी, वहीं पर मैं दुख के साथ कहता हूं कि दिल्ली की डीटीसी को अरविंद ने बर्बाद कर दिया है। हाँ, डीटीसी की आड़ में भ्रष्टाचार का खेल जरूर खेला जा रहा है। साथियों, पिछले कुछ दिनों से लगातार एक खबर सुर्खियों में कि डीटीसी के अंदर बसों की जो परचेज है, खरीद फरोख जो है, उसमें भ्रष्टाचार सामने उभर कर के आया है, जिसको लेकर के कुछ घड़ियाली आंसू बीजेपी के नेता भी बहा रहे हैं। हालांकि उनकी मंशा पे भी काफी प्रश्न खड़े होते हैं। भाजपा का खेल अरविंद के खेल से अलग नहीं है। जिस तरह से पेट्रोल डीजल की लूट मची हुई है, वैसे ही मैं कहना चाहता हूं कि बस की खरीद और मेंटेनेंस के नाम पे भी खुले तौर पर भ्रष्टाचार का खेल खेलने का काम ये सरकारें कर रही हैं। बीजेपी के लोग बस खरीद को लेकर के जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उस पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल इस बात का है कि बस खरीद और मेंटेनेंस को लेकर के जिस तरह से टेंडर फ्लोट किए गए, साथियों, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है, 1000 बस खरीदने को लेकर के जो कीमत तय की गई थी टेंडर में, उस बस की कीमत लगभग 85.5 लाख रुपए थी, जिसको बाद में कुछ दिनों बाद ही उस एक बस की कीमत लगभग 87.5 लाख कर दी गई, यानी कि प्रति बस 2 लाख रुपए का डिफरेंस। यदि 1000 बसों को हम 2 लाख से गुणा करें तो लगभग 20 करोड़ रुपए का अंतर बसों की खरीद पर आता है। ये एक बड़ा प्रश्न है। जब टेंडर हो गया, टेंडर में कीमतें तय हो गई, उसके बाद फिर टेंडर को रोक करके 2 लाख रुपए किस तरह से बढ़ा दिया गया? दूसरा सवाल साथियों, 1000 बस की जो कीमतें हैं, यदि इस अमाउंट को भी हम मान लें तो इन बसों की जो कीमत है लगभग 875 करोड़ रुपए बनती है। 1000 बस यानी कि 875 करोड़ रुपए में खरीदी जानी है। लेकिन जब हम मेंटेनेंस की बात करें तो यही मेंटेनेंस मूल कीमत की 4 गुना ज्यादा हो जाती है। यानी कि बसों की जो कीमत है एक्चुअल, उस कीमत के मुकाबले 4 गुना ज्यादा करके इन कंपनियों को जो बस की सप्लाई देंगे, जिसमें JBL और टाटा को बड़ा, दो कंपनियों को टेंडर देने की बात कही गई है, उन्हीं कंपनियों को मेंटेनेंस का भी टेंडर, और उस मेंटेनेंस का जो अमाउंट है, जान के आपको हैरानगी होगी, जिसमें 3413 करोड़ रुपए मेंटेनेंस के नाम पर इन कंपनियों को देने की बात कही गई है। सवाल इस बात का है कि यही कंपनी 1000 बसों के लिए 3 साल का वारंटी भी देती है। यदि हम और आप कोई गाड़ी खरीदते हैं साथियों, टू व्हीलर खरीदते हैं, तो उसमें सर्विस और वारंटी भी दी जाती है। कोई भी आप गाड़ी लेते हैं, टाटा की लें, हुंडई की लें, या किसी अन्य गाड़ी, कोई भी व्हीकल लेते हैं, तो उन व्हीकल्स पर 3 साल तक तो आपको सर्विस से लेकर के वारंटी दी जाती है। तो प्रश्न यह उठता है कि 1000 बसों की कीमत लगभग 875 करोड़ रुपए, मेंटेनेंस की कीमत 3413 करोड़ रुपए, अरविंद जी को मैंने कहा एक IRS अफसर होने का दावा करते थे, अपने आप को बनिए का बच्चा भी कहा करते थे, तो ये कौन सा तरीका है? मैं अरविंद से ये पूछना चाहता हूं, यदि मैं उनकी जगह होता या और कोई होता तो कम से कम ये डील तो बिल्कुल नहीं लेता। दिल्ली के जो लोगों का जो टैक्स का पैसा है उसको इस तरह तो बर्बाद नहीं करता। 9.5 करोड़ यानी कि 875 करोड़ रुपए में 1000 बसें यदि दिल्ली की जनता को मिल रही हैं, तो 3413 रुपए मेंटेनेंस के नाम पर खुले तौर पर लूट मचाना, ये दर्शाता है कि भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण था। लाइक, शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।